हेलो, आज मैं आपको चलो पे चलो स्लिप कैसे जनरेट की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। IFMIS पे लॉगिन करके इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जिसमें यूज़र आईडी डालते हैं। यूज़र आईडी के बाद अपना यूज़र आईडी यूनिक एम्प्लॉय कोड रहता है, जिसमें फिर पासवर्ड डाल जाता है। पासवर्ड के बाद कैप्चा के बाद फिर इस तरह से ओपन होने पर ये HRMIS होम पर जाके इसमें रिपोर्ट में एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, जिसमें 2006 से लेकर 2024 तक की पे स्लिप जनरेट हो जाएगी मंथ सिलेक्ट करने पर, और उसके बाद जनरेट हो जाएगी। इसी प्रकार आप एनुअल सैलरी स्टेटमेंट भी 2017 से लेकर 2024 तक का उसमें जनरेट रिपोर्ट करने से इससे ओपन हो जाएगा। अगर आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल पे इसकी OTP आने से पासवर्ड चेंज हो जाएगा इससे, और इसमें होम पे जाके जाएंगे तो होम हो जाता है और लॉग आउट यहीं से होना है। इस तरह से इसमें एक तरह से प्रक्रिया होती है, जिससे सभी कर्मचारी अपनी मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी इससे आप अपना पे स्लिप की जानकारी मंथ वाइज इससे प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आधार पे आपको अपनी सैलरी के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप अपनी पूरी डिटेल इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लीव मैनेजमेंट है, प्रोफाइल का है, इस तरह से ये दिखाई देता है। ये एनुअल पे स्लिप रिपोर्ट इस तरह से यहाँ पे क्लिक करने से होता है। HRMIS होम पे क्लिक करने से इस तरह से आपको दिखाई देगा ये। यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करेंगे, जिस ईयर की चाहिए आपको से सैलरी स्लिप, तो उसका आपको यहाँ से मंथ सिलेक्ट करेंगे, ईयर मंथ, और जनरेट करेंगे तो ये जनरेट हो जाती है इस प्रकार से। ये ऑनलाइन आप अपनी पे स्लिप इसके आधार पे आप देख सकते हैं। ये 2017 से लेकर 2024 तक का इसमें आपका डाटा इसमें IFMIS में सेव है, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। और ये एनुअल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये होम पे क्लिक करने पे होम पे पहुंच जाते हैं और लॉग आउट करने से लॉग आउट हो जाएंगे। ये सभी कर्मचारियों के लिए, मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी जानकारी।